पानीपत में भाजपा एससी सेल द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जयंती पर्व की संध्या पर याद किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद नायब सिंह सैनी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय बढ़ाना चाहते हैं और कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश के किसानों को बहकाने में जुटी है। वहीं महंगाई और डीएपी खाद के दाम बढ़ाने को लेकर सांसद ने कहा कि 700 रुपए बढ़ाना कोई विषय ही नहीं है। सांसद ने कहा कि पीएम मोदी ने तो यूरिया खाद को निम कोटेड करके और सस्ता करने का काम किया है। स्कूलों के बंद किए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग कर यह फैसला लिया है। गेहूं की लिफ्टिंग में दिक्कत आने को लेकर नायब सिंह सैनी ने कहा कि अधिकारियों को जल्द से जल्द लिफ्टिंग करवाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नाइट कर्फ्यू पर वह गोलमाल जवाब देते नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बड़ोली में आयोजित कार्यक्रम के रद्द होने पर उन्होंने कहा कि कुछ तथा कथित लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे कृत्य कर दिए जिसकी वजह से कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती की पूर्व संध्या पर आज पानीपत भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उस अवसर के ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के ऊपर वो प्रकाश डाला गया, चर्चा की गई और ये हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश को एक पवित्र संविधान दिया और ऐसे अवसर के ऊपर हमें उनको याद करना चाहिए कि जो संविधान के अंदर उन्होंने व्यवस्था की है उस व्यवस्था के अनुसार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी वो उन तक लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। योजनाओं के माध्यम से सुविधाएं वहां तक पहुंच रही हैं और हमें भी ये संकल्प लेना चाहिए कि जो डॉक्टर साहब ने कहा था, क्योंकि उन्होंने जो अपने जीवन के अंदर उतारा है उस जीवन के आधार के ऊपर उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, ज्ञान के लिए संघर्ष करो, स्वाभिमान के लिए और संगठित रहो, विकास के लिए, अपने उत्थान के लिए, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि हमें उनके जीवन से ये प्रेरणा लेनी चाहिए और आज ये भव्य कार्यक्रम का यहाँ आयोजन हुआ, इसके लिए मैं आयोजित। सर, कल मुख्यमंत्री कार्यक्रम होने वाला बड़ोली में वो जो किसानों को लेके था और अंबेडकर जयंती उनके कैंसिल हो गया, तो उस पर क्या कहना है? जो टकराव की स्थिति थी वो कैंसिल हो गया देखिए मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि जो ये हमारे महापुरुष हैं उन महापुरुषों के अवसर के ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पहले ही कि जिस प्रकार से अपने महापुरुषों को उनके राज्य स्तरीय कार्यक्रम करने के लिए सरकारी स्तर के ऊपर मनाने के लिए व्यवस्था दी थी, ये पहली बार हुआ है कि जो हमारे महापुरुष हैं उनको राज्य स्तर के ऊपर मनाया जाएगा। उसके अंदर कार्यक्रम हर महापुरुष की जब जन्म जयंती आती है उसके अवसर के ऊपर मनाते हैं और वो कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का पानीपत के अंदर है और उसके अंदर बड़ोली में तो रद्द हो गए। देखिए क्योंकि कुछ तथाकथित लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस प्रकार की जो हरकतें वो करते हैं। जब हम ये कहना चाहते हैं कि कहीं पर भी जो कृषि बिल आया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उनकी एक सोच है कि हमने किसान का विकास करना है, किसान की आय को बढ़ाना है, किसान को मजबूत करना है, उस दिशा के अंदर ये तीन कृषि बिल आए हैं और इससे किसान को लाभ होगा, किसान को कहीं पर कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस ने पिछले 55 सालों तक आज़ादी के बाद लंबे समय तक इस देश के ऊपर शासन किया है उस शासन के अंदर उन्होंने अपने आप तो किसानों के लिए कुछ नहीं किया, परंतु आज जब नरेंद्र मोदी जी एक एक योजना के माध्यम से हर वर्ग को, किसान को नहीं, हर वर्ग को मजबूत कर रहे हैं।
ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।